ममता बनर्जी का घोटालेबाज मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन उसकी अकड़ और धमक अब तक जारी है। बीमारी के नाम पर हॉस्पिटल में भर्ती पार्थ चटर्जी न सिर्फ ईडी के अधिकारियों को चमका रहा है, बल्कि वह उन्हें गालियां भी दे रहा है। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से सवाल किया कि पार्थ चटर्जी को दूसरे हॉस्पिटल में क्यों ट्रांसफर किया गया। इसके साथ साथ ईडी ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल में पार्थ चटर्जी किसी डॉन की तरह बर्ताव कर रहा है और वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। पार्थ चटर्जी को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किए जाने के विरोध में ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस पर ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। एसवी राजू ने कहा कि मामला टीचर भर्ती के बड़े घोटाले से जुड़ा है, इसलिए उनको रविवार होने के बावजूद कोर्ट में अपील करनी पड़ी। कोर्ट को बताया गया कि जांच में 21 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है और एक मंत्री के साथ साथ उनकी सहयोगी महिला अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है। बंगाल की दूसरी कोर्ट ने मंत्री की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को एक दिन की ईडी की हिरासत में भेजा है। कलकत्ता कोर्ट को ईडी ने बताया कि उन्हें कोर्ट से पार्थ की सिर्फ 2 दिन की रिमांड मिली है। ऐसे में हॉस्पिटल में इलाज के दिनों को कस्टडी के दिनों में ना गिना जाए, चाहे तो पार्थ इलाज के लिए दिल्ली या कल्याणी के हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि एक ऐसा ऑर्डर भी उनकी अनदेखी में पास किया गया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी के वकील भी मौजूद रह सकते हैं। यह भी कहा गया कि उनको बताए बिना पार्थ को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। पार्थ चटर्जी हॉस्पिटल में किसी डॉन की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आरोप है कि पार्थ वहां ईडी अधिकारियों को धमकी और गालियां दे रहे हैं। कोर्ट में ईडी ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का हाई लेवल केस है, इसमें टॉप रैंक का मंत्री शामिल है। हमें मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए पूछताछ करनी है, लेकिन पार्थ ने खुद को ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती किया है जहां वह राजा है, वह बीमारी का बहाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।